Trust me, I'll give it a shot mm -hmm. my hands Stop preparing the man on the jukebox And then we start to dance And singing like Girl, you know I want your love Your love is handmade for somebody like me Come on now, follow my lead I crazy, don't mind me Konnichiwa Yo एनमलबर्स चैप्टर 1022 के इंग्लिश कैंस आ चुके हैं तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है आई नो एंड तुम्हारा फेवरेट वन पीस क्रिएटर भी आ चुका है एंड ओडा ने हमेशा की तरह एक ब्रेक के बाद एकदम सेक्सी वाला चैप्टर दिया है अपने को एंड इस चैप्टर में वो हुआ जो मैं वनो के स्टार्टिंग से देखना चाहता था अभी चलो ये इंटरवो देख लो फिर मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं लेट्स बे गे चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोगों को एक क्विक अपडेट मिला है ओनीगाशम में अभी तक के सारे हो रहे इवेंट्स का याद है ना कि वॉर स्टार्ट हुआ था 5,400 थाउजेंड और 30,000 थाउजेंड कायडो के टट्टों के बीच तो बहुत मशक्क़त और ओतामा की के कीबी दांगों वाले हरकत के बाद अभी काइडो के टट्टों की स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई है मतलब बहुत कम ही काइडो के चमचे बचे हैं एंड तोबीरोपोज़ डिफीट हो गए हैं यहाँ पर हारे हुए तोबीरोपोज़ का शक्ल दिखता है एंड गाइज इट इज़ कन्फर्म्ड कि जिम्बे ने होशो को हरा दिया है हमें बिच मारिया और सासकी भी दिखते हैं मतलब उनका शक्ल भी दिखता है लेकिन उल्टी और एक पन्ना का नहीं दिखता आई गेस कि वो दोनों वापस उठ गए हैं उल्टी के केस में मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि वो बहुत गंदा पेट गई है शायद पेज वन उठ चुका है एंड वो उल्टी कलर के भाग गया है फिर अपने को दिखता है ओनिगाशमा आइलैंड जो कि फ्लावर कैपिटल की तरफ जा रहा है एंड सिर्फ पंद्रह मिनट में ही ओनिगाशमा आइलैंड फ्लावर कैपिटल तक पहुँच जाएगा यहाँ पर एक पैनल में अपने को लूफी भी दिखता है जो कि कई ठूस रहा है एंड इतना खा रहा है भाई मतलब ठूस चुका है एक्चुअली ठूस नहीं रहा है ठूस चुका है एंड वो एकदम जोश में लग रहा है सीन शिफ्ट होता है थर्ड फ्लोर पे जहाँ पे राइजो और वो लंबे कान वाला निंजा लड़ रहे थे उसका नाम फकुरो फुकुरो फकुर है शायद यार इतना टफ नाम है हम लोग इसको फुकोरोस बोलेंगे फकोरोस मतलब हर दिन फुको थर्ड फ्लोर में ना पूरा आग लगा हुआ है राइजो फकोरोस से बोलता है कि कोजुमी और तू कैसे औरुची जैसे इंसान के साथ गठबंधन कर सकता है फुक्रोच यार अलायंस को गठबंधन ही बोलते हैं ना हाँ अलायंस सेम ही होता है राइट वाह अंग्रेजी बाजी हो रही है बैक टू द टॉपिक तो रायजो ये पूछता है कि तू कैसे और साथ अलायंस बना लिया ये बोलते बोलते रायजो करता है क्लोन जुट से हो डते वाई वो भी रायजो अब तो फुक्रोज रॉयजो के सवाल का रिप्लाई देते हुए बोलता है कि ओनी वा बंशु ये वो शायद वो निंजा का जो भी था ग्रुप टाइप का वो है ओनिवा बंशू को हमेशा करंट शोगुन को सर्व करना चाहिए और वो भी अपने कान से अटैक करता है ये शायद इसका कोई डल फ्रूट का पावर है जो भी कान वान से जो भी अटैक कर रहा है ना ये फिर फोकोरोज राइजो को बोलता है कि तेरा लॉयल्टी कहाँ पे है तू अभी भी एक भूत के लिए लड़ रहा है राइजो को सुन के बोलता है तू ओडन समय की बात कर रहा है क्या फिर फोकोरोज बोलता है कि तूने मुझे बता दिया कि तेरा रियल बॉडी कहाँ पे एंड फोकोरोज फिर पट्ट से राइजो के रियल बॉडी को अपने कान से मारता है राइजो के सारे क्लोन्स भी गायब हो जाते हैं अरे राइजो इतना बड़ा चूतिया है एक तो उसके क्लोन्स इतने प्यारे हैं ना इतने ज़्यादा प्यारे कि इवन अ धूर बच्चा लक मोमो भी बता देगा कि उसमें से असली राइजो कौन है राइजो के सर पे पट्टी दिख रही है हाँ ये सेम पट्टी राइजो के किसी भी क्लोन में नहीं है क्या क्लोन बनाया ना राइजो ने एंड फुको तो और बड़ा चूतिया है उसको ये नहीं दिख रहा उसको राइजो की आवाज़ सुन के पता चल रहा है कि वो कहाँ है बैक टू द टॉपिक अभी जैसे फ़करोज ने राइजो को मारा ना तो उसके बाद राइजो को फकरोज बोलता है कि तू कभी निंजा बनने के लायक नहीं है तू कितना भी अच्छा निजुत्सु करना सीख ले कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तू हमेशा अपने फीलिंग्स के चक्कर में ढक देता है जिस पर राइजो बोलता है कि ये फीलिंग्स ही रीज़न है हम लोग के रेस्ट नहीं करने का और रियल आई से अना राइजो बोलता है कि उस दिन हम लोग हंसे रोए और ओडेन सामा के साथ मर गए थे हम सब भूती हैं जो कि अपने मास्टर के सपने को पूरा करना चाहते हैं हम लोग सिर्फ इसलिए नहीं लड़ रहे क्योंकि हम लोग के लिए एक ड्यूटी है बल्कि हम सब इस इमोशनल बॉन्ड के लिए ही लड़ रहे हैं अगर अपन अभी मर भी गए ना तो भी हम लोग रेस्ट नहीं करेंगे जब तक हम लोग पूरा नहीं देख लेते आज रात ओरोचि और कायडो का शासन ख़त्म कल सुबह एक सुंदर न्यू डॉन होगा जिसमें शोगुन शोधुन उसके होगा ए दो हफ्ता हो गया तो नाउ आई कैन से जोधन उसके ठीक है एंड इसी टाइम में ना अपने को सारे अकाजाज भी दिखते हैं किनेमोन कीको और आशुरा दो जी अभी भी मरे हुए हालत में दिखते हैं और राइजो प्लीज ना रोटो बन गिव अप ऑन योर ड्रीम्स एंड डाय थर्ड फ्लोर में ही हॉकिंस और किलर का वन वन हो रहा था ना तो सीन सीधा वहीं पे शिफ्ट होता है किलर हॉकिंस को बोलता है कि यू बास्टर्ड तेरे पास और कितना मिड शील्ड बचा है किलर ये चीज़ हफ़्ते हफ्ते बोलता है इट सीम्स कि किलर हॉकिस लड़ते लड़ते थक गया है एंड मिड शील्ड मतलब शायद वो स्ट्रॉ पॉपेट्स से जो हॉकिंस यूज़ करता है एंड ये पपेट्स पूरे फ्लोर में भी बहुत सारा फकाया हुआ है मतलब बहुत सारा फेंकाया हुआ दिखता है अपने को हॉकिंस किलर को बोलता है फिर कि ज़्यादा नहीं बचा है मेरा भी इधर थोड़ा हालत ख़राब हो रहा है तेरे से लड़ते लड़ते एंड किलर फिर अपने ब्लेड्स हॉकिंस के बॉडी के अंदर घुसा देता है हॉकिंस फिर बोलता है कि मेरे पास ज्यादा स्ट्रॉ वाले पपेट्स नहीं बचे हैं लेकिन तुझे समझना चाहिए कि किसका जान दाव पे लगा रहा हूँ मैं अभी जिस पे किलर कन्फ्यूज रिएक्ट करता है सीन शिफ्ट होता है सेकंड फ्लोर पे बिगमम दिखती है मोटी तेरे को देखने के लिए मैं तड़प गया यार लॉ एंड किड भी दिखते अपने को किड इंजर्ड दिखता है लॉ किड से पूछता है कि योस्त या तेरू क्या हुआ जिस पे किड बोलता है कि ये क्या बकचोदी है मेरे को अभी किसी ने स्टैप किया वापस अपने को किलर और हॉकिंस दिखते हैं किलर बोलता है कि तेरा स्ट्रॉ मैन यू डिड किलर समझ गया कि हॉकिंस सला किड का मैन यूज़ कर रहा है हॉकिंस बोलता है कि मुझे मानना पड़ेगा मज़ा आता अगर तू बिना जाने किड को मार देता तो लेकिन तुझे फाइट करने के बदले तड़पते हुए देखना भी मजेदार होगा है ना क्या हरामी है अब हॉकिंस सला सैडिस्ट इसके बूंद में भी कोई कोड़े मारो हॉकिंस फिर किलर को बोलता है कि अगर तू मुझे मार देगा तो तू अपने कैप्टन को भी मार देगा चलो अब देखते हैं तू कैसे मुझे एंटरटेन करेगा मुझे पता है कि तू अपना बेस्ट ट्राई करेगा जिसमें किलर बोलता है कि फ़ा फा फा तेरा सही में ट्विस्टेड सेंस ऑफ ह्यूमर है नाउ कम्स दिस सेकेंड हाफ सीन सीधा शिफ्ट होता है लाइफ फ्लोर पे सारे गिफ्टर्स वो गिफ्टर्स जो की बी खा के साइड स्विच कर दिए उन लोग को किंग और क्वीन जो कि अपने हाइब्रिड फॉर्म में है वो सब जला रहे होते हैं क्वीन बोलता है कि सुन लो बे तुम लोग सब भुगतोगे अब काइडो सामा को बिट्रे करने के जुर्म में एक गिफ्टर चिल्ला के बोलते हैं कि मार्को शान कहाँ है प्लीज़ हम लोग को बचाओ तो उस पर दूसरा गिफ्टर बोलता है कि वो ऑलरेडी अपने लिमिट में हम लोग को खुद से ही लड़ना पड़ेगा मार्को दिखता है जिसकी हालत बहुत ख़राब दिखती है मतलब पड़ा हुआ है भाई एक जगह पे एक गिफ्टर साझी के पास जाके बोलता है कि शान गुरो शान आप ठीक हो ना साझी की भी हालत बहुत ख़राब है वह तो फक यार साझी भी गिफ्टर साझी को बोलता है कि उन लोग ज़ोरों ज़ोरों को ढूंढ रहे हैं साझी बोलता है कि क्रैप दोनों से अकेले लड़ना बहुत मुश्किल है दोनों मतलब किंग एंड क्वीन ये साझी हफ़्ता हफ़्ते बोलता है फिर गिफ्टर बोलते हैं कि अब उनको रोक कौन सकता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन लोग पूरे फ्लोर को तबाह कर देंगे साझी फिर चिल्ला के चॉपर और म्यागी बकरे को बोलता है कि अगर तेरा ट्रीटमेंट वर्क नहीं कर रहा है तो मारिमो को लेकर इधर से जा जिस पर चॉपर बोलता है कि हम लोगों ने ऑलरेडी ज़ोरों को इंजेक्शन दे दिया है बट इंजेक्शन का असर होने में कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा है म्यागी बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि ज़ोरों की बॉडी लगे पड़े हैं क्या लगे पड़े हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फिर बोलता है 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 कि जोरो जोरो भी दिखता है जो annoyed है। शायद क्योंकि शायद इसलिए इंजेक्शन वर्क नहीं कर रहा है जल्दी या फिर उसको पेन हो रहा है सांझी फिर क्वीन पे अटैक कर देता है बोल के कि मैं इधर हूं जिसपे गिफ्टर्स खुश होकर सान्ग चेयर करते हैं फिर किंग बोलता है कि, शायद एक ट्रांसलेटर का टाइप है हाँ तो किंग बोलता है कि जोरो को ढूंढ के उसको खत्म कर दो इन लोग उस पर कोई अजीब सा हीलिंग मेथड ट्राई कर रहे हैं उसको रिकवर मत होने दो ये शायद किंग उन काइडो के टट्टों को बोलता है जिनको गिफ्टर मार रहे थे प्लेजर्स बोलते शायद उसको अपने को दिखता है फिर पेरोस्पेरो जो कि दूर से निशाना लगा रहा होता है पेरोस्पेरो बोलता है कि डैम बीच इन लोग इतना धूल फैला रहे हैं कि मेरे को अच्छे से कुछ दिख ही नहीं रहा है विंसबोक साझी को मैं अपने खुद के हाथों से मारूंगा पेरो पेरोस्पेरो फिर साझी पे एम करता है एंड बोलता है कि अगर तू तो पुडिंग से शादी कर लेता जैसे तुझे करना चाहिए था तो हम लोग को इन ब्रूट्स के साथ हाथ नहीं मिलाना पड़ता फिर पेरोस्पेरो जर्मा रिजेक्ट बोलता है एंड साझी पे शूट करने वाला होता ही है कि बाजू से एकदम करारेदार लात पड़ता है उसको एंड गेस हु इज हियर नेकवा वो पेरस्पेरों को लात मारते हुए ये बोलता है कि लेट्स टेक इट आउटसाइड मैं यहाँ पे पेड्रो को एवेंज करने आया है पेरस्पेरों नीचे गिर जाता है एंड नकोमा मुशी बोलता है कि अब तू बच नहीं सकता साले इतने टाइम में ही ना जो काइडो के टट्टे थे ना वो जोरो को ढूंढ लेते हैं अब जोरो तो उस टाइम भी बैंडेज का बंडल था ना तो इस बंडल को उठा के सामूराइज भागने लगते हैं लॉयल गर्लफ्रेंड नहीं यार लॉयल सामोराइज मिल सकते हैं तो बता एक सामूराइज बोलता है कि जोरो जोरो को बचाओ सब लोग वो हम लोग के खातिर ही इंजर हुआ है ये सामूराइज जोरो को लेके भाग ही रहे होते हैं कि सामने आ जाता है किंग किंग सजवता तेरी गेंद फट रही है ना कि कहीं जोरो वापस आके तेरी बूंद ना मार ले डर लौंडे डर फिर बाद में जोरो से हार के वनों से भी तो भागना है अब ये सामू रेस के साथ मियागी बकरा चॉपर और उसकी फ्यूचर गर्लफ्रेंड भी थे किंग ना अपने हाथ में फायरबॉल सा कुछ बना के रेडी होता है चॉपर माई बॉयज़ को देख के डर जाता है बिचार के आँख से आंसू निकलने लगते हैं भाई चॉपर क्या कर रहा है तेरी बंदी बाजू में उसके सामने गट्स दिखा किंग अपने उस फायरबॉल से चौपर पे अटैक कर देता है साझिस को देख के हेल्प करने आता है ये बोल के कि मारी मो तू हमेशा से मेरे पिछवाड़े का दर्द है लेकिन सांजी से पहले चौपर जोरो और सबको बचाने के बीच में आ जाता है कौन मार्को मार्को अपने फ्लेम से किंग के आग को रोक देता है एंड ये शायद सेम ब्लू फ्लेम्स का अटैक है जो मार्को ने अकाइनो के अगेंस्ट किया था जब उसको जिम्बे और लुफी को बचाने का था मार्को फिर बोलता है कि मैंने कुछ र्यूमर्स सुना था एक फायर को कंट्रोल करने वाला रेस के बारे में जो कि रेड लाइन के ऊपर रहते थे किंग ऑफ द फ्लेम्स हाँ क्वीन मार्को को वापस देख के बोलता है कि अनबिलीवेबल तो अभी भी जिंदा है तेरे जैसे व्हाइट बेड पायरेट्स को अब डेथ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ये बोल के वो अटैक करने वाला होता है जिसके रिस्पॉन्स में मार्को हाथ खड़े कर देता है एंड बोलता है कि मैं हार मानता हूँ दिस इज मोर देन इनफ फॉर मी मैंने अपना पार्ट कर लिया जोरों के बैंडेजेस थोड़े फूलने लगते हैं मार्को फिर बोलता है कि अब टाइम स्टार्स के स्टेज पर आने का एंड सान्तो यू दिया फर्गटरी म्यूटन ओनीगिरी शॉट यस गाइज ये फाइनली हो गया जोरो इज बैक एंड ही इज फाइटिंग अलॉन्ग साइड साझी नाव जोरो अपना अटैक से किंग को काटता है एंड साझी अपने अटैक से क्वीन को लात मारता है एंड दिस पेज स्पेश पैनल वाओ एकदम कैड़ा सेक्सी सारे गिफ्ट एकदम खुश हो जाते हैं इन दोनों को देख के मैं भी बहुत खुश हूँ आप भी बहुत खुश हो मुझे पता है इनको साथ में देख के जोरो फिर बोलते हैं कि वो कर रही ब्राउ. अगर हम लोग यहाँ पे जीत गए फिर सांजी बोलते हैं मुझे पता है इट विल बी फाइनली इन आवर साइट एंड फिर सांजी जोरो साथ में बोलते हैं लूफी बी कभी पायरेट किंग फुल गुजबम्स बाजी चैप्टर होता है एंड नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है आई डोंट नो वाई बट उल्टी और पेज वन का नॉक्ड फेस उड़ाने नहीं दिखाया अपने को इस चैप्टर में आई गेस कि उनका कुछ सीन हुआ है फुकोरोस और रायजू तो हर दिन फूकते हैं साले नशे में निन्चुपू लड़ रहे हैं नेगावा फाइनली पेरोसपैरो के साथ कॉन्टैक्ट में आ गया एंड ही इज रेडी टू डू सम समटाई ऑफ किंग का हमको स्पीसीज पता चल गया है मार्को ने एक बहुत बड़ा चीज़ बताया कि ही यूज टू लिव इन मतलब उसकी जो स्पीसीज है वो रेड लाइन पे जीती थी मतलब रहती थी एंड वो केपेबल थी फायर को कंट्रोल करने के लिए जो कि बहुत बड़ी बात है आई एम श्योर इस चीज़ का फ्यूचर पर बहुत कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा देख लेना जोरो माई बॉय ही इज़ वर्किंग बैक मज़ा आ गया उस तो चीज़ देख के एंड लॉन्डो तुम अगर मेरे वीडियोस पहले से देख रहे हो तो मतलब बहुत पहले से तो तुमको पता होगा कि मैं वानों में मेन दो चीज़ देखना चाहता था पहला था लूफी एंड यामाटो वर्सेस काइडो चूंकि शायद होने वाला है एंड दूसरा जोरो और साझी फाइटिंग टुगेदर जोरो और साझी दोनों को साथ में देखना चाहता था मैं फ़ाइट करते हुए इन लोग को साथ में आते हुए देख के मज़ा आ गया बे एंड एक बहुत सेक्सी चीज बता देता हूं गाइज कि अभी आने वाले चैप्टर मतलब अभी दो चैप्टर लगातार कोई भी ब्रेक नहीं होने वाला है अब ब्रेक सीधा चैप्टर वन के बाद होगा एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर चैप्टर वन आई थिंक चैप्टर वन में साइड के फाइट्स पर ही फोकस होगा फिर वन के एंड में काइडो काम को एक लिफेंगर डाल के ब्रेक पर डाल देगा होगा मेरे को पक्का यकीन है सो गाइज दैट इज ऑल आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा आया है तो मुन्ना खानदानी परंपरा करो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन कमेंट्स में बताओ बेस्ट पार्ट कौन सा लगा मुझे तो तो जोरो और सांझी का कॉम्बो अटैक कतई चुम्मा लगा और हजार सब्सक्राइबर्स की खुशी में जो मैं स्पेशल वीडियो बनाने वाला था वो कैंसिल हाँ क्योंकि मेरे को पता नहीं आ रहा अभी मन नहीं कर रहा सीधी बात सॉरी यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम कैसे डॉट लवर्स डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एंड हां अपने एड्स भी चालू हो गए हैं तो कोई स्किप मत करना ठीक है और डाउनलोड करके कर कोई देखता था ना तो अब नहीं ठीक है अब अच्छे से एड्स देखने का ठीक है अभी वाले संडे को दो बजे लाइव होगा तो आ जाना मस्त पक चोरी करेंगे एंड अब लाइव में आवाज सुनने मिलेगी तो बाय बाय